सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे स्कूल बनवा देना चाहिए। नाव पर सवार होकर स्कूल जाने की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें बिहार के पटना से सामने आई है। सारण जिले के सबलपुर गांव के ये बच्चे ऐसे ही रोज राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों में आते हैं। दियारा इलाके के बच्चों को इसी तरह से नाव पर सवार होकर स्कूल के द्वार तक जाना पड़ता है। सारण ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेतिया से भी इस तरह की शर्मनाक और डरावनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां नाव बच्चों की स्कूल बस बन चुकी है। मुजफ्फरपुर नाव हादसे के बावजूद बच्चे नाव की सवारी कर स्कूल जाने को विवश हैं। सबलपुर दियारा से पटना आए ऐसे ही कुछ बच्चों से ईटीवी संवाददाता ने बात की। क्या कहना है इनका, सुनिए। नाव से आते हैं। नाव से? रोज नाव से? रोज। गांव में क्या स्थिति है, कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं? कुछ नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं। पानी बहुत बढ़ जाता है तो आते हैं स्कूल? आते हैं, वही डर लगता है। प्राथमिक विद्यालय अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कौन सी कक्षा में? थ्री क्लास में। थ्री क्लास में? तो कैसे आती हो यहाँ पे? नाव से आते हैं। नाव से? डर नहीं लगता है? नहीं। जब पानी भरा हुआ रहता है तो? नहीं, पानी भरते नहीं आते। पानी भरता है तो नहीं आती हो? नहीं, नाव से। रोजाना डर नहीं लगता है? नहीं, नहीं लगता है। जब पानी भर जाता है तब? नहीं आते हैं। नहीं आते हो तो डिस्टर्ब हो जाता होगा पढ़ाई, तब तो छूट जाता होगा पढ़ाई बहुत सारा। गांव में स्कूल है कि नहीं है? नहीं है। गांव में स्कूल रहेगा तो यहाँ आना पड़ेगा। क्या चाहती हो? यही कि गांव में स्कूल बनवा दे। नाव से नदी पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे में बच्चों के माता पिता की जान हलक पर बनी रहती है। जब बच्चे सुरक्षित घर लौट जाते हैं तब जाकर वे राहत की सांस लेते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय गांव में स्कूल खोलने का वादा किया जाता है। स्कूल कुछ नहीं है। तो बच्चे सबको कहां पढ़ाते हैं? बच्चा तो पटना पर आते हैं। कैसे आता है बच्चा? नाव से आता है। रोज? हाँ रोज। अभी बाहर से जब आता है तब तक खतरा होता है? हाँ बाहर आता है तो खतरा होता है, डर लगता है हम लोग के। पढ़ाना है बच्चे? बच्चा को पढ़ाना है। तो बिल्कुल, जो अभिभावक हैं वो भी कहते हैं कि चुनाव जब भी नजदीक आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं और वादा करते हैं कि गांव में स्कूल खुलेगा, अस्पताल आएगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं है। और इस कारण स्थिति ये है कि 100 बच्चों में 20% बच्चे ही विद्यालय आ पाते हैं। जो अभिभावक सक्षम होते हैं नाव से भेज पाने में, वही बच्चों को अपने पढ़ा पाते हैं, अन्यथा गाँव में ही बच्चे रह जाते हैं और पढ़ाई से दूर रह जाते हैं। ईडी विभाग के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।